ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं, हरियाणा की बेटी साक्षी मलिक है, न्याय मांगती रही, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एफआईआर होती है लेकिन आगे कोई कार्रवाई हुई नहीं हुई। संदीप सिंह हो, ब्रजभूषण शरण हो, कुलदीप सेंगर हो, निहाल चंद मीना हो, या अपराधियों को एक के बाद हरियाणा में पैरोल पर कैसे छोड़ा जाता है, एक दो बार नहीं 7 बार पैरोल उसे मिलती है जिसपे गंभीर हत्या और बलात्कार के मामले दर्ज है। तो हमारा जब ये आरोप लगता है कि क्या अपराधी सत्ता में भागीदारी है या उन्हें संरक्षण प्राप्त है, तो ये सारे उदाहरण साबित करते हैं कि हाँ ये सच है। अब हमारी मांग जो हमारी अध्यक्ष जी और हम सबकी कल चर्चा हुई, चिंता जाहिर हुई कि राजधानी दिल्ली पूरे देश में अपराध में नंबर 1 पर खड़ी है, वो भी कब, जब दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधा देश के गृह मंत्रालय अमित शाह जी के अधीन आती है। होना यह चाहिए था कि राजधानी दिल्ली देश के लिए एक बेहतरीन महिला सुरक्षा के नाम पर बेहतरीन उदाहरण 10 सालों में बनने की उम्मीद थी, लेकिन पता लगता है वो बेहतरीन 10 सालों में नहीं बन पाई वो राजधानी दिल्ली, वो बद से बदतर बेहाल हो गई, यहां पर न्याय नहीं है। सबसे बेहतर राज्य नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों में ही बताया गया, पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता सबसे ज्यादा सुरक्षित बनी है। हमें गर्व है कि आज टीएमसी इंडिया समूह का एक महत्वपूर्ण घटक दल है, एक महिला मुख्यमंत्री, जब हमारे नेता राहुल गांधी जी भी यह बात को कहते हैं कि अगले 10 सालों में 50% महिलाएं देश में मुख्यमंत्री महिला होंगी हमारा टारगेट है, तो वो इसी सोच के साथ कहते हैं कि पूरे देश में अगर कलकत्ता में महिलाएं सबसे सुरक्षित हैं, वहीं दिल्ली भारत की राजधानी जो अमित शाह जी आपके अधीन है वो आप सबसे असुरक्षित है, वहां सबसे ज्यादा सुरक्षित है। अगर आप मेट्रोपॉलिटन में भी देखेंगे तो दिल्ली में 1 लाख पर 1800 से ऊपर मामले दर्ज हो रहे हैं, 1 लाख में 1800, और वहीं पर अगर आप मुंबई में जाएंगे, किसका राज है फिर अमित शाह जी, आपकी भाजपा की सरकार है, 1 लाख पर 376, लेकिन वहीं पर अगर आप नीचे आ जाएंगे कलकत्ता चेन्नई और बेंगलुरु, यहां पर टॉप 2 में अगर अपराध में आती है तो दिल्ली और मुंबई दिखाई जा रही है मेट्रोपॉलिटन पे, और कलकत्ता जैसा राज्य बेहतर बताया जाता है, बेंगलुरु जैसे में हम बेहतर स्थिति में है, अभी तो हम सत्ता में आए हैं कुछ महीने ही हुए हैं। सो बात यह है, उम्मीद करते थे कि संसद का सत्र चल रहा है, देश की महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, 2-3 दिन से इंतजार था इस अपराध के आंकड़ों पर, राजधानी दिल्ली के अंदर जो सीधा गृह मंत्रालय के अंदर है, जो सीधा अमित शाह जी के जवाबदेही है, उस पे कुछ बोलेंगी, लेकिन उन्होंने अभी तक, दुर्भाग्य है दिल्ली की बहनों का कि उनको जिनसे उम्मीद है वो महिला हमारी मंत्री अभी तक अपनी चुप्पी जो है वो तोड़ने की हिम्मत नहीं दिखा पा रहे हैं। अध्यक्ष जी ने जैसे कहा 13,525 पुलिस कर्मियों की भर्ती जो है पद खाली पड़े हुए, 13,525 फाइल किसके पास है, गृह मंत्रालय में है, क्यों नियुक्ति खाली पद रखे गए। अध्यक्ष जी ने कहा बिल्कुल हम पुलिस कमिश्नर दिल्ली से समय मांगा है, अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम वहां जाएंगे, पूरी तरीके से जो सहयोग है दिल्ली पुलिस को कि दिल्ली का माहौल बदलना चाहिए, हमारे वॉलेंटियर किस तरह की जागरूकता फैला सकते हैं, किस तरीके के माहौल में, हम पूरी तरह से दिल्ली पुलिस की मदद करने को तैयार है, लेकिन दिल्ली पुलिस कहीं ना कहीं इन खाली पदों को रखकर केंद्र के गृह मंत्री जी आप उन्हें ताकत नहीं दे रहे, आप उन्हें कमजोर करने का काम कर रहे हैं। गवाहों को डराने और धमकाने के लगातार, पीड़िता के परिवारों से आप बात करेंगे तो वो बताएंगे कि इतना लंबे समय जब न्याय में लगता है तो पीड़िताओं को डराने और धमकाने, दबाव बनाने का जो है काम जारी रहता है। अपराधियों में डर नहीं क्योंकि फैसले नहीं, जब फैसले होंगे फांसी के तख्ते पर, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, नाबालिग बच्चों के साथ अपराधियों को फांसी की सजा है, लेकिन कितनी फांसियां हुई पिछले सालों में हम पूछना चाहते हैं, और यहां पर तो अपराध यह बताता है कि बच्चों के खिलाफ मामला 5,000 मामले बच्चों के खिलाफ 20 में थे तो अब 7,000 पहुंच गए, लेकिन इन 5,256 जो 20 में थे 3 साल बाद कितने फांसी के तख्ते पर झूलने हम पूछना चाहते हैं। हम आपसे 22 का नहीं पूछ रहे कि 5,000 में से कितने फांसी के तख्ते पर ये गंभीर जो 4,000 मामले, जो 5,556 मामले थे 3 साल से कोर्ट और कचहरियों में फास्ट ट्रैक कोर्ट का नाम पर फैसले नहीं आ रहे और इन्हें अंजाम तक नहीं पहुंचा जा रहा है। हमारी ये मांग है
कि राजधानी दिल्ली के प्रति देश के गृह मंत्री जी आपकी सीधी जिम्मेदारी और जवाबदेही है, दूसरे राज्यों का कानून व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर वहां के राज्य वहां के मुख्यमंत्रियों के अधीन होता है, लेकिन भारत की राजधानी दिल्ली की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की सीधी जिम्मेदारी गृह मंत्री जी आपकी है। और यहाँ पर यह भी जो विश्व गुरु, विश्व में डंका बज रहा है, हम कुछ भी आरोप लगाते हैं, सवाल करते हैं तो कहते हैं विश्व में भारत की छवि खराब होती है। आज ही के नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि जो विदेशी सैलानी भारत की धरती पर आते हैं और दिल्ली आ रहे हैं उनके प्रति भी विरुद्ध अपराध में 48% इजाफा हुआ है। अब ये विदेशी जब राजधानी दिल्ली में आते हैं और अपने आप को इतना, जहां पर G20 हुआ हो, 48% लोग विदेशी FIR कराते हैं, अपने देश लौट जाते हैं एक कैसी छवि लेकर, उम्मीद करते हैं इसकी चिंता होनी चाहिए। साइबर क्राइम दुगना हुआ है, लोगों के मोबाइल से पैसे निकल रहे हैं, लोगों के बैंक खातों में से पैसे निकल रहे हैं, साइबर क्राइम पूरी तरह से फेल हुआ है, मामले दुगने हैं लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सो हमें चिंता है, खासतौर से महिला के तौर पर। अध्यक्ष जी और हमारे मुकेश शर्मा जी बैठे हुए हैं, विधायक रहे, मंत्री रहे, शीला दीक्षित जी के समय भी 15 साल हमने सरकार चलाई, हम पे बहुत गंभीर आरोप लगे, लेकिन आज जिनकी जो सत्ता में आज जवाबदेही उनकी है, आज सवाल उनसे पूछना हमारा बनता है। विपक्ष में, विपक्ष का धर्म है, और दिल्ली के लोगों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस भरोसा दिलाती है कि जिनके साथ अपराध हुआ है उनकी न्याय की लड़ाई में कांग्रेस उनके साथ पूरी ताकत से खड़ी है। इस अपराध को, राजधानी दिल्ली को हम अपराध की राजधानी नहीं बनने देंगे, और गृह मंत्री अमित शाह जी और महिला बाल विकास मंत्री से हम इस पर जवाब चाहते हैं। धन्यवाद। मित्रों, लवली जी ने, अलका लांबा जी ने विस्तार से बात कही है, मैं उन तमाम बातों को दोहराना नहीं चाहता और कुछ विषयों पर मुझे टिप्पणी करनी भी नहीं है। कानून अपना काम करता है, अदालतें अपना काम करती हैं। मैं 2-3 बातें अपने अनुभव के हिसाब से कहना चाहता हूं। दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 2 दिन का शुरू हो रहा है, पता नहीं मैं गलत हूं या सही हूं। आज मैंने दिल्ली विधानसभा में कुछ लोगों से मैंने बात की थी, कल मैं लवली जी से इजाजत लेके ऑनरेबल स्पीकर से भी मिलने जा रहा हूं, और मैं चाहूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी को, मुझे जितना याद है 1993 में मैं पहली बार असेंबली का मेंबर बना था, उस वक्त बीजेपी की गवर्नमेंट थी और सेंटर के अंदर दूसरी गवर्नमेंट थी या किसकी गवर्नमेंट थी, लेकिन जो भी असेंबली का सेशन हुआ है जब तक शीला दीक्षित जी रही, इवन देन जब 3 महीने के लिए हमने स्पोर्ट से गवर्नमेंट बनाई थी दिल्ली में, उस सेशन के अंदर भी मुझे याद है, हमेशा से सेशन में लॉ एंड ऑर्डर पर डिस्कशन